अगला क्वेश्चन ये आपके सामने मैं ले रहा हूं, स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये देखो, राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर स्टूडेंट हैविंग रोल नंबर नेम एंड मार्क्स, ठीक है, और नोट एनी अदर लॉजिक शैल बी कंसिडर्ड एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले डेटा फॉर थ्री स्टूडेंट्स। तो अगेन हैश इंक्लूड वो सब आएगा, ठीक है। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड कोन आईओ डॉट एच, उसके बाद में मैं लिखता हूं स्ट्रक्ट एबीसी, सॉरी स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्टूडेंट, तो यहां पे लिखूंगा स्टूडेंट, और इसके अंदर डेटा मेंबर क्या क्या बोला है, रोल नंबर बोला है, नेम बोला है और मार्क्स बोला है। तो चलो सबसे पहला लिखते हैं यहां पे इंट रोल नंबर, रोल नंबर को आप स्ट्रिंग में भी ले सकते हो, डिपेंड करता है। फिर लेंगे कैर नेम और साइज दे देंगे यहाँ पे 20 का, और तीसरा यहाँ पे बोला है मार्क्स, इंट मार्क्स सेमीकोल। अभी ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा, क्या ये इतना स्ट्रक्चर आपको समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो चैट बॉक्स में टाइप करो एस, प्लीज टाइप करो एस इन द चैट बॉक्स, टाइप करिए एस इन द चैट बॉक्स। देखो आपको एमएसबीटी में भी जो मार्क्स मिलता है वो पॉइंट में नहीं मिलता है, परसेंटेज होता तो बात अलग है, पॉइंट में ले सकते हैं। वैसे मार्क्स के लिए भी आप फ्लोट ले सकते हो, इंट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस फ्लोट लिया तो परसेंटेज इस्तेमाल करना है और इंट लिया तो परसेंट इस्तेमाल करना है, ठीक है, ओके। हाँ यस, सी एल आर एस सी आर इधर नहीं, मेन के अंदर लिखा जाता है। तो अभी यहां पे मैं लिखता हूं void main सी एल आर एस सी आर, ओके। अभी मेरे को एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट आई, जो मेरा फॉर लूप के लिए होने वाला है, और फॉर लूप के अभी यहां पे देखो क्या बोला है, एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले थ्री स्टूडेंट्स, तीन बच्चों के लिए, थ्री स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है, थ्री इंफॉर्मेशन, तीन बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है। तो अभी इसके बाद में यहां पे लिखता हूं, तो मैं लिखता हूं यहां पे फॉर लूप आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन थ्री, आई प्लस प्लस। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मैं यहां पर लिखता हूं स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे स्टूडेंट, और ऑब्जेक्ट बनाया मैंने एस, और उसको साइज दे दिया मैंने तीन का, क्योंकि मुझे तीन स्टूडेंट्स के लिए करना है। तो यहां पे मुझे एरे लगाना पड़ेगा मेरे स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को। तो अगर एस थ्री, ये ऑब्जेक्ट को मैंने जो लिखा ये समझ में आया है तो चैट बॉक्स में एस थ्री टाइप करो, अगर आपको समझ में आया है तो चैट बॉक्स में टाइप करो ऐसे सेमीकोलन। ये एस और साइज मैंने तीन क्यों लिया, क्योंकि तीन स्टूडेंट्स के लिए मुझे करना है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट को स्ट्रक्चर के एरे लगा दिया। अगर ये समझ में आया है तो चैट बॉक्स में एस और उसके साइज थ्री लगा के सेमीकोलन मारो। बॉक्स ब्रैकेट में लिखना है, कौन से ब्रैकेट में लिखना है बच्चों, बॉक्स ब्रैकेट में लिखना है, ओके। आगे सेमीकोलन भी देना है। द्वितीय कसवाला ने एकदम सही लिखा है, श्लोक इज आस्किंग सर तीन चार जागी चार येईल का इकडे, नाही बेटा तीनच येणार, कारण की चालू कुठून तो झिरो झिरो वन टू, तो हो गया ना तीन बच्चों का इन्फॉर्मेशन, झिरो से चालू होगा वन पे टू पे खत्म हो जाएगा। सर टू आएगा, अब ये मोहम्मद मसूद शेख मुझे कह रहा है सर टू आएगा, टू आएगा लेस देन, वहां पे देखो आप समझो,
आई इज लेस देन इक्वल टू टू, बोला मतलब जीरो वन टू टू तक जाएगा। मैंने बोला आई इज लेस देन थ्री, आई इज लेस देन थ्री का मतलब क्या है, देखो ये भी टू तक जाएगा और ये भी टू तक जाएगा, समझ रहे क्या मसूद शेख? अभी फॉर लूप के अंदर मुझे इनपुट लेना है, तो बराबर मैं क्या करूंगा, स्कैनएफ डालूंगा। स्कैनएफ सबसे पहला मेरे को क्या लेना है, यहां पे स्टूडेंट का रोल नंबर लेना है। रोल नंबर के लिए हमने इंटीजर लिया है, तो उसलिए मैं परसेंट डी लिखूंगा, कॉमा एम्परसेंट रोल, एम्परसेंट एस का जीरो, सॉरी आई पोजीशन डॉट रोल नंबर। इसके बाद मैं स्कैनएफ लिखूंगा और एक बार। अब यहां पे नेम के लिए हमने नेम डिक्लेयर किया, नेम के लिए क्या लिया, स्ट्रिंग, तो परसेंट एस आएगा, एस का आई पोजीशन डॉट नेम। वापस और एक स्कैनएफ लिखूंगा, परसेंट डी, एस का आई पोजीशन डॉट रोल, सॉरी मार्क्स। इसके बाद में ये फॉर लूप को क्लोज कर दूंगा। तो बेसिकली ये फॉर लूप मेरा जब चलेगा, ये फॉर लूप देखो जीरो से चालू हो रहा है, तो जीरो वन टू, ये फॉर लूप तीन बार घूमेगा। तो ये फॉर लूप जब एक बार घूमेगा तो एक बंदे का इंफॉर्मेशन लेगा, एस का आई पोजीशन मतलब एस का जीरो पोजीशन डॉट रोल नंबर, एस का जीरो पोजीशन डॉट नेम और एस का जीरो पोजीशन डॉट मार्क्स। तो जीरो पोजीशन पे एक बंदे के मार्क्स को स्टोर करेगा, वैसा ये कितने लोगों के मार्क्स को स्टोर करेगा, तीन लोगों के मार्क्स को स्टोर करेगा। तो ये हमारा इनपुट वाला फॉर लूप है। ये इनपुट वाला फॉर लूप समझ में आया तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करो आई, प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करो आई इन द चैट बॉक्स, प्लीज टाइप करो चैट बॉक्स में आई इन द चैट बॉक्स, ओके। अभी इसके बाद में हम लोग और एक फॉर लूप लिखेंगे दोस्तों, आई इज इक्वल टू जीरो, सेम फॉर लूप, आई इज लेस देन थ्री, आई प्लस प्लस, इसके अंदर प्रिंटेफ डालेंगे, ये तीनों को वापस प्रिंट करना है। क्या लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर, सबसे पहला रोल नंबर, ये मैसेज दिया, फिर लिखा परसेंट डी और कॉमा, यहां पे लिखेंगे एस का आई पोजीशन डॉट रोल नंबर, वैसा वापस और एक प्रिंट एफ लिखेंगे, लिखेंगे हमको भी क्या लिखना है, नेम, नेम प्रिंट करना है, तो लिखेंगे परसेंट एस और एस का कौन सा पोजीशन, आई पोजीशन डॉट नेम। उसके बाद में प्रिंट एफ लिखा, यहां पे लिखेंगे मार्क्स, परसेंट ए, सॉरी परसेंट डी, एस का कौन सा पोजीशन, आई पोजीशन डॉट मार्क्स। ये फॉर लूप को क्लोज कर देंगे, गेट सी एच लिखेंगे और प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। तो यहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, वो स्ट्रक्चर के अंदर तीन डेटा मेंबर बनाए, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, जो एग्जाम में दिया था। क्योंकि डेटा को तीन बच्चों लोग के लिए एक्सेप्ट करना है, इसलिए मेन के अंदर मैंने क्या किया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया एस और उसको एरे लगा दिया, साइज दे दिया तीन का। अब ये मैंने क्योंकि एरे लगाया है, मुझे यहाँ पे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, फॉर लूप का। तो जीरो से चालू होगा और ये टू तक जाएगा, मतलब लेस देन थ्री। तो तीन बच्चों का इन्फॉर्मेशन को ये एक्सेप्ट करेगा फॉर लूप, जो कि एक्सेप्ट करने के लिए बोला है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में। और उसके बाद में फॉर लूप के मदद से मैंने क्या किया, तीन तीन जो बच्चे उनका जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले कर दिया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में छह मार्क के लिए आता है, और कौन से वो बच्चे हैं जिनको ये छह मार्क पूरा मिलेगा, इसका गारंटी है। अगर आपको लगता है कि आपको पूरा छह मार्क्स मिलेगा तो टाइप करो सिक्स इन द चैट बॉक्स, कम ऑन, बी फास्ट एंड बी क्विक, प्लीज टाइप करो सिक्स इन द चैट बॉक्स। यस बेटा, डॉट लिखना पड़ेगा, डॉट एक ऑपरेटर है, उसके बिना ये काम नहीं चलने वाला, डॉट लिखना पड़ेगा। छह मार्क के लिए कल ये पेपर में देखने के लिए मिलेगा। देखो सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। फॉर लूप के साथ आए तो छह मार्क, विदाउट फॉर लूप आए तो चार मार्क, जो वन एम्प्लॉय का रहता है ना, वो चार मार्क के लिए पूछा जा सकता है।